विशाल नेहा आज टॉप 30 में से टॉप 12 क्या होगा? 30 जो कंटेस्टेंट्स हमने चुने हैं वो आई थिंक 300 के 300 जेम्स हैं, और उन 30 जेम्स में से 12 लोगों को चूज करना वुड बी वेरी डिफिकल्ट. व्हाट डू यू से विशाल? इनमें से कैसे चुना जाए मेरे समझ ही में नहीं आ रहा है. आई कांट इट्स ब्लोइंग माय माइंड. भड़कने वाली है चिंगारी, किसी पे चलेगी यारी और किसी से हो जाएगी यारी. वाह 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 वाह. आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी गो एंड सिलेक्ट द टॉप 12. यस लेट्स गो. टोमियो ने इंडियन आइडल में पहली बार 2 गोल्डन माइक्स जीत कर रचा इतिहास, और बाकी उम्मीदवारों को दी उम्मीद गोल्डन माइक जीतने की, और साथ ही 1 गोल्डन माइक कम होने से उम्मीदवारों के जहन में मच गया हड़का, क्योंकि उम्मीदवार है 29 और जगह सिर्फ 11. टॉप 12 में से 1 जगह सिक्योर हो चुकी है, 11 में अपना सिक्का कैसे भी जमाना पड़ेगा. टेंशन बहुत बिल्डअप हो चुकी है और बहुत ज़्यादा प्रेशर है, कंपटीशन बहुत टफ हो गई है. गोल्डन माइक का कोई भी प्रेशर नहीं है ऐसा कि गोल्डन माइक चाहिए ही चाहिए, बस मेन एम ये है कि वहाँ जाके अपना बेस्ट देना और अच्छा परफॉर्म करना. क्या बात है, क्या बात है. विभोर आप अभी तो क्या हैंडसम स्मार्ट लग रहे हो, लेकिन मैंने एक चीज देखी है वीडियो में यार, आप इतने खर्राटे मारते हो यार. विभोर बहुत खर्राटा लेता है और कभी कभी मेरे को सोफे में सोना पड़ता है, तो ये सबसे परेशान है मैं. खराटे के साथ साथ मेरे को कभी कभी लात भी मार देते हैं. सर वो नहीं है, वो झूठ है. हो ही नहीं सकता, वीडियो में देखा है. अरे आपका पार्टनर तो पलंग को तोड़ रहा था यार. दस एक सवाल और एक उठता है. यस सर. जब तुम्हें गोल्डन टिकट मिला तुम्हारी लाइफ किस तरह बदली, क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरी लाइफ में एक स्पेशल पर्सन है, मैंने उसके साथ अपना गोल्डन टिकट शेयर किया. दैट्स गुड. ए बॉय, गिव इट, गिव इट टू अ स्पेशल पर्सन मैन. वो नाइस. अब वो स्पेशल पर्सन मेरी गर्लफ्रेंड है. यू हैव अ गर्लफ्रेंड ऑलरेडी? यस सर, आई हैव अ गर्लफ्रेंड. वो सबसे पहले मैंने उसी के साथ शेयर किया, डेली जाके उसके साथ मैं डेट पे गया. और किधर किधर गए मेरे भाई? सर लंच पे गए रेस्टोरेंट में. गर्लफ्रेंड को मुंबई लाए? हाँ सर, आए ना मुंबई. आए आई है आपकी गर्लफ्रेंड जी? अरे बुलाइए, बुलाओ मेरे भाई, गर्लफ्रेंड को बुलाओ. बेबी. बेबी मेरी गर्लफ्रेंड सर बस मुझसे 40 साल बड़ी है, जो की मेरी दादी है. और oh my God. ये स्पेशल मोमेंट मैंने अपनी दादी के साथ शेयर किया था. बेस्ट गर्लफ्रेंड. आप सबको मेरा नमस्कार. नमस्ते जी. नमस्ते और आशीर्वाद. थैंक यू दादी जी. हाँ जी. आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको ये कैसे मिल गया बॉयफ्रेंड? ये मेरा बॉय फ्रेंड तो बहुत सुंदर है. बहुत अच्छा बच्चा है मेरा. बहुत नटखट है ये, आकर पैर पकड़ लेगा, हाथ पकड़ लेगा और गुदगुदी करने लग जाएगा. मैं इसकी मम्मी को बोलती हूँ, इसके हाथ सख्त है बहुत, मेरे की हड्डियाँ तोड़ देगा तो मैं क्या करूँगी. तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी मेरी. बहुत मजाक करता है, बहुत ज्यादा और बहुत मस्ती में रहती है, डांस करती है एकदम. क्या दादी डांस करती है? और मैं चाहूंगा कि दादी के साथ आज विशाल डांस करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले आप परफॉर्मेंस कर लें. आई थिंक परफॉर्मेंस के बाद वी विल सेलिब्रेट, है ना? इतना अच्छा गाना कि विशाल ऐसा नाचे, ऐसा नाचे, ऐसा नाचे, क्या होगा, अच्छा ही नाचेगा. जमीन गर्दिश में थी
कुछ अंतरों में जो आपने जगह ली है ना विभोर, इट वॉज मैडनेस. तुम एक जगह सुर से हिले नहीं हो यार. विभोर, ये इंडियन आइडल है. कुछ सिंगर्स यहाँ पे एमेचर लेवल से आते हैं, उनकी हमेशा तमन्ना रहती है कि कभी हम प्रोफेशनल बनेंगे. तुम बने बनाए प्रोफेशनल स्टेज पे थे आज. विभोर, यस मैम. आज मुझे सुन के आपको लगा कि आपके बहुत चांसेस हैं टॉप 12 में आने के. थैंक यू मैम. बट बिफोर यू गो विभोर, यस मैम, हमारी पूरी ऑडियंस की, हमारे अनु जी की एक रिक्वेस्ट थी ना कि आपकी गर्लफ्रेंड जो है, ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड के साथ हमारे यहाँ पर जो को जज बैठे हैं विशाल ददलानी. मतलब मैं इसमें कहाँ से आया, समझ में नहीं आ रहा. विशाल, विशाल, दादी, दादी, मेरा विशु आ गया, मेरा विशु आ गया, विशु आ गया, मेरा प्यारा विशु आ गया. करेंगे सबका स्वागत. थैंक यू दादाजी, माफ कीजिएगा, आपको तकलीफ दिया. क्या बात है. स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. हमारे अगले प्रतियोगी आ जाएं प्लीज. मैं पहली बार 5-स्टार ललित होटल में आया हूँ. माशाल्लाह इतना बड़ा होटल है, मैंने कभी भी नहीं देखा ऐसा होटल. तो मेरे लिए तो पूरा राजमहल है. जैसे मैं होटल में आया तो सबसे पहले मैंने एक घोड़ा देखा, बहुत बड़ा घोड़ा था. और मैंने पहली बार देखी है कांच के लिफ्ट, और उसमें पहली बार मैंने सफर किया, मतलब ऊपर गया था लिफ्ट में, तो एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है. यहाँ पर इतने बड़े बड़े रूम, और मैंने वीडियो भी बनाकर भेजा वहाँ पर. मैंने पापा देखो बेड कितना बड़ा है. कमाल है, कमाल. ये देखो बाथरूम, देखो कितना बड़ा है. देखो ये तो महल है पापा, महल. हम तो पूरा परिवार इस बाथरूम में रह सकते हैं. मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि हम यहाँ पर 5-स्टार होटल में खाना खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना सारा खाना है कि इतना तो हमारे वहाँ पर शादियों में भी नहीं बनता है. जब मैं खाना खा रहा था तो दिल में यही चिंता है कि मैं इतना अच्छा खाना खा रहा हूँ, पता नहीं मेरे माँ बाप कैसे होंगे, वो क्या खा रहे होंगे, उनका खाना नसीब हो भी रहा होगा या नहीं भी हो रहा होगा. इसीलिए मुंबई आया हूँ ताकि कुछ कर पाऊँ, कुछ करूँ ताकि मेरे माँ बाप अच्छी जिंदगी, बेटर जिंदगी जी सके. हाय सलमान. हेलो मैम, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ. कैसा लग रहा है मुंबई में आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, और ये कोई मेरे लिए सपने से बढ़कर नहीं है, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े मंच पर आ जाऊँगा. वाओ,
We're so happy for you. बहुत बहुत खुशी हो रही है. ये बताइए सलमान, आपको गोल्डन टिकट मिला तो उसका सेलिब्रेशन कैसे हुआ? कुछ किया, सेलिब्रेट किया आपने? मैम, जब मुझे गोल्डन टिकट मिला, जब मैं उसको लेकर घर पर गया तो मैंने किसी को नहीं बताया. मैंने अपने परिवार के साथ ही थोड़ा बहुत इन्जॉय किया था, क्योंकि सब लोगों को इसलिए नहीं बताया था कि हमारी खुशियाँ को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है. सबसे अच्छी बात तो यही होती है कि अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना, क्योंकि आई थिंक फैमिली से ज्यादा प्यार आपको पूरी दुनिया में कोई नहीं करता. एक बार आई थिंक हमें हम सबकी फैमिलीज के लिए तालियां बजानी चाहिए. ओके सलमान, तो आप तैयार हैं? जी मैम. चलिए, ऑल द बेस्ट. थैंक यू मैम. एक बात कहनी पड़ेगी यहाँ, ये जो तुम्हारे फैंस आए, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम सिंगिंग के सलमान खान बन गए हो तुम. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एक तो तुम गाना नहीं गा रहे थे, तुम्हारे गले से बंदूक की गोलियां चल रही थी. और मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग हर बार कहते हैं कि हमारे नेबरिंग कंट्री है, वहां से बोलते हैं क्या सिंगर्स आते हैं. मैं दावे से कहता हूँ, जिस दिन ये शो सारी दुनिया में देखे जाएंगे, सब वहां से भी ऐसे ऐसे करेंगे तुम्हें. हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद. जो खजाना यहाँ है कहीं नहीं है मेरे भाई. तुमने आज आग लगा नहीं, आग लग चुकी है. यार सलमान, बड़े वक्त से इंतजार था ये अनु मलिक जी का ट्रेडमार्क लाइन कब आएगा कब आएगा. तुम्हारी वजह से आया. वेलकम बैक टू इंडियन आइडल 10. जारी है थिएटर राउंड. जो मेरी पहली इंस्पिरेशन रहे हैं सिंगिंग की, वो मेरे पिताजी रहे हैं. मेरी मम्मी है जो म्यूजिक को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हैं. ये खुद रेडियो स्टेशन में काम करते थे, कितना कमा लिया इन्होंने. बाद में इनको भी वो छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ी. इसलिए मुझे सिंगिंग से नफरत है. अपना दो वक्त की रोटी भी नहीं कमा सकता है. डॉक्टर बोलते धीरे धीरे इसकी आँखें जाएंगी. इंटरनल की ऑडिशन देने आया था तो उस वक्त मैं घर से भाग के आया था, क्योंकि मेरे मॉम उस वक्त बोलते थे कि नहीं, अभी तेरी आंखों से देखो प्रॉपर दिखता नहीं है, तू क्यों जा रहा है. इंडियन आइडल के टॉप 12 में सेलेक्ट होना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है, एक इंडियन आइडल को जीतना मेरा सपना हमेशा से रहा है. और भले ही वो सपना थोड़ा धुंधला हो, धुंधला ही सही, पर वो सपना मैं ज़रूर देख पाऊँगा. और सर, उसके बाद मैं घर गया था जी, और वहाँ पर सर मैंने गोल्डन टिकट जब मॉम डैड के हाथ में दिया जी, तो सभी को काफ़ी सारी खुशी हुई. अच्छा. एक मैंने सर स्पेशली एक बकेट बना के रखा है. आप सभी जानते हैं सर कि आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, तो उस बकेट में सर कुछ लिस्ट है मेरी जो मैं अचीव करना चाहता हूँ लाइफ में जी. उसमें से सर एक इंडियन आइडल का ये मंच भी है, और वो गोल्डन टिकट जिस दिन सर आपने मेरे हाथ में वो दी थी जी, वो एक सपना मेरा उस दिन पूरा हुआ सर. अंकुश, आपकी जो कंडीशन है, आपकी आंखों की रोशनी जा रही है, लेकिन आपकी आवाज बहुत बुलंद है और आपकी हिम्मत बहुत बुलंद है. थैंक यू सो मच. तो ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी, सपने उसमें ऐड करते जाओ और ये पूरे होते जाएंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. आपके साथ कौन आया घर से यहाँ पे आज? मुझे काफ़ी हैरानी हो रही है सर. मेरी मॉम वैसे बेसिकली सर म्यूज़िक को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, बट राइट नाउ शी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो काफ़ी खुशी मिली. मेरे डैड आए हैं सर. अच्छा, दोनों माता पिता दोनों आए हैं सर. दोनों बहुत खूबसूरत. मैडम जी, आपसे एक बार बात हो जाएगी? नमस्कार जी. अंकुश ने कहा अभी आप उसके गाने को पसंद नहीं करती, क्यों? मैं म्यूजिक को इसलिए पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि ये कई जगह गया बेचारा जी. गाता था तो 100-200 मिलते थे. इसके पापा भी बचपन से ही गाते थे जी, जी, जब जी. मैंने देखा इनका भी गाने से गुजर बसर नहीं चल रहा था, तो मैं इसको बोलती थी बेटा पढ़ लिख के अच्छा बना हुआ है, MBA किया हुआ है, तू मैं कहीं अच्छी जॉब कर ले, इसलिए बोलती थी क्योंकि घर का गुजारा नहीं चलता है इस तरह से जी. अब जब इसकी आंखों के बारे में सामने ये बात आई तब और ज़्यादा दिक्कत में आ गए हैं हम लोग. तो एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा. हाँ जी. अब आपका बेटा जो है इस वक्त इस देश के सबसे बड़े म्यूजिक के मंच पे खड़ा है, अब भी आपको लगता है कि इसका गुजारा म्यूजिक से नहीं हो सकता? ऐसा तो नहीं लग रहा है, ये इसकी मेहनत है जी. आप सबका आशीर्वाद है. मैम, हम छोटे लोग हैं, माँ का आशीर्वाद जो होता है ना सबसे बड़ा होता है. तो आप अपना हाथ उसके सर पे रखिए और ये प्रार्थना कीजिए कि ये बहुत अच्छा गाए. प्लीज मैम, ये खुशी का अवसर है. आप समझिए आपके बेटे ने क्या अचीव किया है इतनी कम उम्र में. साथी रे थोड़ा ठहर जा, अभी रास्ते कुछ बदल से जाएंगे. मेरे लिए सर
सबसे बड़ी खुशी की बात अभी ये है कि मेरी मॉम यहाँ पे आई है. मैं इनको मनाते मनाते हमेशा थक जाता था कि नहीं मैं कुछ करूँगा इस लाइन में, तो आज वो दिन है सर. हम तो चलिए आज ऐसा गाइए कि उनका मन बदल दी. डेफिनेटली सर. गुड लक अंकुश. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. सपना जहां दस्तक न दे, चौखटती वो आंखें मेरी, बातों से थी तादाद में खामोशियां ज्यादा मेरी. जब से पड़े तेरे कदम चलने लगी दुनिया मेरी, मेरे दिल में जगह खुदा की खाली थी. बादल हूँ जो तेरे आसमां पे आके ठहरा है. तू रूह है तो मैं काया बनूं, उम्र में तेरा साया बनूं. कह दे तो बन जाऊं बैराग में, कह दे तो मैं तेरी माया बनूं. तू साज है खूबसूरत गाते हैं, इतना दिल से गाते हैं, इतना अच्छा गाते हैं. आपको पता है जब मैंने इंडियन आइडल किया था तो इंडियन आइडल करने के बाद तुरंत मैंने पूरे वर्ल्ड में शोज़ करने शुरू कर दिए थे. और मैं चाहती हूँ सेम ऐसा आपके साथ हो कि पूरे वर्ल्ड से आपको कॉल्स आए परफॉर्म करने के लिए, सो दैट आप पूरी दुनिया इन आँखों से देख सके. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. पूरी जिंदगी लग जाती है एक सिंगर को अपने एक्सप्रेशन में सच्चाई ढूंढने के लिए, और आपके पास ये कुदरतन देन है. इट्स अमेजिंग. यू आर ब्लेस्ड. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. अंकुश, जितने भी तुमने नोट्स लिए हैं उसके जो कॉर्ड्स आते हैं ना, दा रा री दा री रा, वो जैसे कॉर्ड्स ले रहे थे उतने ही तुम सुर में डूबे हुए थे कॉर्ड्स के साथ. आपकी मम्मी से मैं बात करना चाहूंगा. बहुत अच्छी बात बोली आपने, मेरी जिंदगी की कहानी ऑलमोस्ट झिझोड़ दी. मेरे डैडी बहुत बड़े कंपोजर रहे हैं, यानी कि काम में काम बहुत जानते थे, काम मिला ही नहीं उनको.
मुझे अच्छी तरह याद है मेरी माँ ने कहा था यही 100-200 वाली डायलॉग, 100-200 से कुछ गुजर नहीं होता है, 3-3 बच्चे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पति जिनको वो तरक्की नहीं मिली और आप टूट गई और आप जायज हैं, मैं गुजर चुका हूं, मेरी माँ के लफ्ज थे ये, बेटा घर में रोटी कैसे आएगी, ये लफ्ज थे मेरी माँ के। और रोटी मैंने बोला लाके दूंगा मैं, मैंने मेहनत की, वही मेहनत ये लड़का कर रहा है। मेरे दिल में जगह खुदा, आपसे मैं दिल से कहना चाहता हूँ ये लड़का 100-200 से आगे निकल गया, आप कभी 100-200 में नहीं जियोगी, ये बहुत कमा के देगा लड़का आपको, ये बहुत अच्छा लड़का है। और मेरा दिल कहता है मैं दुआ करूंगा तेरी आंखों की रोशनी कभी ना जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप को मैं दिल से कहना चाहता हूं आप इंडियन आइडल गाला के टॉप 12 में आ रहे हैं। यस यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आ जाओ अंकुश, माइक आ जाओ, ले जाओ गोल्डन माइक, ले जाओ, तुमने कमाई है ये, वेल डन। आइए नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ जाएं प्लीज। क्या बात है अद्रीज, एंट्री भी क्या मस्त मारी आपने आज, एकदम कमाल का परफॉर्मेंस कर। थैंक यू सर। खामोशिया मैं समझता हूँ, जो बहुत सच्चे कलाकार होते हैं ना, कभी कभी ना वो थोड़ा बोलते हैं यार हमारे पास कला तो है यार, लाइटली ले लो। एक टिप लेके जाओ, हर चीज को अपना फिनाले गाना समझो। योर वॉइस इज अ कनेक्ट बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ, आप एक ब्रिज बन चुके हैं। थैंक यू। आगे क्या होता है, वी विल कम टू नो वेरी सून। श्योर श्योर। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुतम मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। आई जेन्युइनली फील कि आप इंडियन आइडल के हिस्ट्री में एक ऐसी डिस्कवरी रहोगे जिसका नाम सबको याद रहेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अलविदा अलविदा मेरी राहें, अलविदा मेरी सांसें कहती हैं, अलविदा। शामतन, डेफिनेटली आप में परफॉर्मेंस में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है, तो हमें भी थोड़ा सा केयरफुली और रिस्पॉन्सिबली सोचना होगा और डिसाइड करना होगा कि कौन हमारे फाइनल 12 होंगे। ओके, so thank you for that, good luck. Thank you so much sir. It's tough, yeah, it's very tough, very tough, because you don't know, isne itna atrangi pakda gana, itne utar chadha is gaane mein, aur ha bahut ab karenge kya sir, abhi to baat cheet kar rahe hain aise khushi khushi, I like him, I like her, you're right, sare aise hue to kya karenge, iske baad mein kya hoga pata nahi, pata nahi, pata nahi. For more updates subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.